बिहार के कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार उन्होंने बिहार के मंत्रियों की तुलना चपरासियों से करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुधाकर सिंह को सीएम नीतीश से परेशानी, लगातार सीएम नीतीश पर बोल रहे हमला, अब मंत्रियों को बताया चपरासी। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार के नजर में चपरासी है, रबर स्टाम्प। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुधाकर सिंह ने बिहार के मंत्रियों को सीएम नीतीश की नजर में चपरासी और रबर स्टाम्प बताया है और सुधाकर सिंह के बयान पर सूबे के सियासी गलियारों में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुधाकर सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं बीजेपी ने सुधाकर सिंह के बयान का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार का रवैया तानाशाह है और मंत्रियों का हैसियत चपरासी जैसा रखते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो ये बात बोलती थी तो सभी लोगों को खराब लगता था और नीतीश कुमार बिदकते थे, लेकिन अब जिस यूपीए गठबंधन में गए हैं उस यूपीए गठबंधन के सबसे बड़े दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र श्री सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार का रवैया तानाशाह जैसा है और मंत्रियों का हैसियत चपरासी जैसा बना करके रखे हैं और अफसर शाही यहाँ हावी है, जो अफसर बेलगाम है और अफसर ही उनका सिपासालार है। नीतीश जी के बारे में करें कि बेचैन आत्मा के तरह भटक रहा था, जिसका 40 गो MLA होगा, 40 गो MLA पर प्रधानमंत्री बनता है, तो बेचैन आत्मा है ये ना है। और सुधाकर सिंह ठीक कह रहे हैं और आरजेडी में उनका 3-4 गो MLA ही घट रहा है तो इनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है कि मुख्यमंत्री से हटाने जा रहा है। वो तो कहियो 2-4 गो MLA इधर उधर हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये दूध के सिट्ठी के तरह निकल जाएंगे। नीतीश जी अब वर्तमान में नहीं रह सकते, उनको भविष्य में जाना है, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज रहेगा और बेचैन आत्मा के तरह भटक रहे हैं। वहीं महागठबंधन सरकार में शामिल दलों ने सुधाकर सिंह पर करारा पलटवार किया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने सुधाकर सिंह के बयान का विरोध करते हुए पलटवार किया है। सुधाकर, ये कौन फैक्टर है भाई? जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हो गया कि नीतिगत निर्णयों पर अंतिम सिर्फ देंगे नेता और बाकी नेता जिनको अधिकृत करेंगे प्रवक्ता को देंगे, तो तीसरा कौन क्या बोल रहा है? हम सब कहाँ सोचने चल रहे हैं? आप देश की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, पलायन की बात करिए, गिरती अर्थव्यवस्था की बात करिए, कहाँ सुध लेने चले जाते हैं सुधाकर जी का? राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने एक आधिकारिक चिट्ठी जारी की थी और निर्देश दिया था कि दल का कोई भी नेता गठबंधन या सरकार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, इसके लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। लेकिन अब उनके खुद के सुपुत्र उनके निर्देश का मखौल उड़ा रहे हैं तो इस पर हम लोग क्या विशेष टिप्पणी कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल उठाने वाले कितने आए और कितने चले गए? जनता को अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है, तभी तो 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी को ही मौका दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति सुधाकर सिंह जी की व्यक्तिगत राय क्या है वो जाने, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है क्या कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती है?
अब सुधाकर जी जाने उनकी अपनी राय क्या है वो जाने, लेकिन मंत्री बनने तो वो खुद आए थे। कुल मिलाकर सुधाकर सिंह लगातार सूबे के सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमलावर हैं। जब वो कृषि मंत्री थे तो भी महागठबंधन सरकार पर हमला करते थे और अब सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह के जुबानी हमलों पर आरजेडी कब लगाम लगाती है, या फिर सुधाकर सिंह ऐसे ही महागठबंधन सरकार पर हमले करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।